हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सीमॉस के बारे में। सीमॉस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मॉस दैट कैन बी डिजाइन्ड बाय कंबाइनिंग एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट। यह मॉसफेट के हेल्प से बना सकते हैं। इसमें एक हम एन चैनल मॉसफेट यूज करते हैं और एक पी चैनल। अब Q1 देख रहे हैं वो पी चैनल टाइप का है और Q2 है एन चैनल का है, और दोनों के गेट को हमने कंबाइन कर दिया है। उस पर इनपुट देंगे दोनों, और ये जो Q1 का अब जो देख रहे हैं ये सोर्स है, बेसिकली सोर्स से आप देख रहे हैं हम आउटपुट ले रहे हैं। तो इसका इस तरीके से हम ये बनाते हैं। वेल, सीमॉस सर्किट इज यूज्ड इन स्विचिंग एप्लीकेशन। जल्दी हम इसे स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। द इनपुट वोल्टेज इज आइदर हाई और लो। जो इनपुट यहां पर हम देने वाले हैं या तो ये जीरो होगा या फिर VDD के बराबर होगा, ठीक है। When the input voltage is high, जब इनपुट वोल्टेज हाई होगा, जब आपने इसे हाई दिया, हाई देंगे इसका मतलब VDD दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो पी चैनल MOSFET है वो ऑफ हो जाएगा, तो Q1 ऑफ हो जाता है और Q2 है वो ऑन होगा, ठीक है। हमने लिखा है When input voltage is high, Q1 is off and Q2 is on. In this case, the shorted Q2 pull the output voltage down to ground. अब ये ओपन हो गया और ये शॉर्ट सर्किटेड है और यहां ग्राउंड हो रखा है, तो क्या होता है, जो आउटपुट है वो आपका बेसिकली ग्राउंडेड हो जाता है, तो आपको जीरो मिलता है। आपने यहां पर हाई दिया था और आपको यहां लो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है बेसिकली। When the input voltage is low, अगर input voltage low होता है तो क्या होगा, low होगा उस केस में Q1 है वो on होगा और Q2 off होगा। Q1 on होगा और Q2 off होगा, उससे क्या होगा, Q1 pulls the output voltage up to VDD। ये short हो गया है तो VDD से बेसिकली Vout है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, तो Vout हो गया वो VDD के बराबर हो जाएगा। तो जब हमने लो दिया तो आउटपुट पर हमें मिल रहा है हाई, क्योंकि VDD है वो हाई के बराबर है। सिंस इन बोथ द केसेस आउटपुट वोल्टेज इज इन्वर्टेड, दोनों में आपने देखा जब मैंने हाई दिया था लो मिला, लो दिया तो हाई मिला, दोनों केस में इन्वर्टेड हुआ है, द सर्किट इज कॉल्ड CMOS इन्वर्टर। तो बेसिकली जो हमने सर्किट बनाया ये सीमॉस इन्वर्टर का सर्किट है, सीमॉस की हेल्प से हमने इन्वर्टर बनाया है। फिगर बी शोज हाउ द आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद द इनपुट वोल्टेज। यहां पर ये हमने दिखाया है कि आउटपुट और इनपुट वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब इनपुट वोल्टेज जीरो है, जब इनपुट वोल्टेज जीरो है तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज VDD है, मतलब जब ये लो है तो ये हाई है। आप कह सकते हैं आप जब इनपुट वोल्टेज VDD है, जब इनपुट वोल्टेज VDD है तो उसके समय आउटपुट तो कुछ है नहीं, ऊपर आउटपुट है जीरो, तो इनपुट हाई है तो आउटपुट है लो, तो ये बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। इसमें एक मिड पॉइंट भी होता है, वहां पर Q1 और Q2 का रेजिस्टेंस बराबर होता है, उस जगह पर वोल्टेज होता है VDD/2। बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स देयर इज ए क्रॉसओवर पॉइंट, उस पॉइंट को क्रॉसओवर कहते हैं, वेयर द इनपुट वोल्टेज इक्वल टू VDD/2। एट दिस पॉइंट बोथ MOSFET हैव इक्वल रेजिस्टेंस एंड आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VDD/2। तो ये क्रॉसओवर पॉइंट है बेसिकली, इसे क्रॉसओवर पॉइंट कह रहे हैं। यहाँ पर जितना इनपुट है, जब आप जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है, इस केस में इन दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होता है, ठीक है। मेन एडवांटेज अगर कहें CMOS का, तो बेसिकली मेन एडवांटेज ऑफ CMOS इज इट्स एक्सट्रीमली लो पावर कंजम्पशन। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो सबसे कम होता है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, देयरफॉर ऑफन यूज्ड फॉर बैटरी ऑपरेटेड एप्लीकेशंस। जो बैटरी पावर्ड एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हम इन्हें यूज करते हैं, जहाँ पर बैटरी, बिकॉज कम पावर लेगा तो बैटरी आपकी ज़्यादा चलेगी, तो जो डिवाइसेस हैं जो बैटरी से चल रही हैं उनमें हम इसे प्रेफर करते हैं। तो एग्जांपल है उनके कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हम इसे यूज कर लेते हैं, डिजिटल वॉचेस,
डिजिटल वॉचेस होती हैं उसमें, और हियरिंग एड्स जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है उनके लिए कुछ सुनने के लिए डिवाइस होती हैं जिन्हें हम हियरिंग एड कहते हैं, उसमें भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस थे। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।